हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर इन फिट एंड फाइन। जैसा आप देख पा रहे हैं, आपके सामने जो लिस्ट है, हम इसको वो लिस्ट बोल सकते हैं जिसका हर एक एग्रीकल्चर एस्पिरेंट वेट करता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो 2022 की पोस्ट थी, स्टूडेंट को फाइनली हम बोल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। आपको ब्लॉक भी बता दिए गए हैं, विद इन 1 वीक आपको ज्वाइन करवा दिया। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, एंड जिनका नहीं हुआ कितने मार्क्स से, तो उनको डिसअपॉइंट नहीं होना है कि आपकी 500 प्लस पोस्ट और आएंगी एंड जो 50% का क्राइटेरिया है अब की बार रिमूव हो चुका है। पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसमें हम मान सकते हैं मैक्सिमम आपकी जो पोस्ट वो फिल की जाएगी। और तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया था वो ज्यादा रेलिवेंट नहीं था, बट अगेन जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यहाँ पे बताया गया है कि इन इन कैंडिडेट का फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ है 42 के आसपास है, बट फाइनल रिजल्ट में 50 के आसपास हम देखते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, जो आपका जो कंडीशन है ये बताई गई है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। बिफोर ज्वाइनिंग ड्यूटी दे विल रिक्वायर टू सबमिट आप सर्टिफिकेट, देन मेडिकल सर्टिफिकेट सब जमा करवाना है। अब इसको एक बार अच्छे से पढ़े, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है एंड यू आपको इश्यू किया गया था 8 जून को, बट सर्कुलेट आज की डेट में हुआ है। अगेन द वेरी बेस्ट फॉर योर जॉब एंड ट्राई करना अपना जितना भी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन है हरियाणा के एग्रीकल्चर एंड देयर फार्मर्स, जितना भी आप उनका हेल्प कर सको इन एनी सेंस काइंड ऑफ, जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके, उनकी जो फील्ड है या फिर जो भी आपको काम मिले तो बिल्कुल अपना मन से और दिल से करना है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं एंड आपको प्रोबेशन जो पीरियड है वो 2 साल के लिए है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नाइस डे।